अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह हर घर की परेशानी को दूर फरमाए। आज मैं आपको इन बॉक्स पैलेटों की स्टिचिंग बताऊंगी। इसके ऊपर हमने जो है वो हैंड एम्ब्रॉयडरी, इधर साइडों पे हमने हैंड एम्ब्रॉयडरी करनी है। ये बड़ी बॉक्स प्लेट हमने डाली है, ये तकरीबन 1.5 इंच की हमने प्लेट डाली है। इसके ऊपर भी हम जो है वो फ्लावर हैं वो बनाएंगे। उसके बाद इसके बैक साइड पे भी हमने प्लेट्स डाली हैं। ये देखिए बॉक्स, इस पे बैक साइड पे हमने इस तरीके से प्लेट्स डाली हैं। ये तकरीबन 1-1 इंच की प्लेट है। फिर इसके अंदर हमने पहले शोल्डर सिलाई की और उसके बाद 2-2 इंच का गैप छोड़ के हमने ये लाइनिंग बना दी है, ये स्टिचिंग कर दी है हमने इसके ऊपर। आइए इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। ये यहाँ से हम 3 इंच और चौड़ाई हमने गले की 2.5 इंच रखी है। ये 2.5 इंच फिर हम इसके बैक की कटिंग करेंगे। उसके बाद फिर हम इसके अंदर प्लेट्स डालेंगे। ये ऊपर से 12 इंच का हमने प्रेसिंग से निशान बना लिए। अब हम गले के पास से तकरीबन 1.5 इंच छोड़ के जो है हम ये निशान बनाएंगे। 1.5 इंच छोड़ के फिर आपने बनाना है निशान, और इस निशान को पकड़ के जो आपने 12 इंच का निशान लगाया इसको यहाँ तक सीधा करना है और आपने प्लेट्स डालनी है। ये आपने पैर पैर की सिलाई जो है लगानी है इधर। ये एक प्लेट्स जो है वो हमने बॉक्स प्लेट जो है ये डाल दिया। अब हम दूसरी भी जो है वो इस तरीके से ही करेंगे। ये आपने ये देखें इस तरीके से निशान बना लेना। ये मैं आपको ज़रा इसके करीब करके दिखाती हूँ इस तरीके से, क्योंकि इसके अंदर भी जो मैंने आपको स्लीव्स पे बताई थी वही कढ़ाई हम इसके ऊपर बनाएंगे। ये आपने इसके दरमियान जो गैप रखना है वो आपने 1/2 इंच का रखना है। ये देखिए ना, आपने ये ख्याल करना है कि जब आपने प्लेट्स एक ये बॉक्स प्लेट जो स्टिच कर ली है तो इसका रुख हम गले की तरफ करेंगे और दूसरी भी तैयार प्लेट का जो वो आएगा उसके दरमियान, यानी कि रुख आने के बाद फिर दरमियान में जो गैप वो 1/2 इंच का हो। ये देखें, ये 3-3 प्लेट्स जो है हमने फ्रंट वाले हिस्से पे डाल ली हैं। अब हमने बैक साइड पे जो है इस तरीके से प्लेट नहीं डाली, बैक साइड पे हमने बॉक्स प्लेट बनानी है। बॉक्स प्लेट बनाने के बाद पहले हम यहाँ से ये कंधे की तरफ से सिलाई लगा लेंगे, फिर 2 इंच का गैप छोड़ के फिर यूँ सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से 2-2 इंच का गैप छोड़ के हम नीचे तक सिलाइयाँ लगाएंगे। ये देखिए 1/2 इंच का छोड़ के मैंने ऊपर से जो कंधे में सिलाई जाएगी वो उसका हक छोड़ के फिर 2 इंच का इस तरीके से सिर्फ इसके ऊपर यूँ सीधी सिलाइयाँ लगानी है। अब ये गले के सेंटर वाली हमने क्रीज बना ली है प्रेसिंग से। उसके बाद हमने ये 1 इंच 2 सूत्र की प्लेट जो है हमने इसके अंदर ये बॉक्स प्लेट बड़ी जो है वो बनानी है। ये देखिए हमने यहाँ सिलाई का हक छोड़ के 2-2 इंच के गैप पे हमने ये हमारी 1, 2, 3, 4, 5 प्लेट्स जो है वो डली है। अब ये देखिए फ्रंट हिस्से पे, ये बैक हिस्सा था, ये फ्रंट हिस्से पे हमने पहले 3-3 कंधे के पास डाली है और एक हमने सेंटर में डाली है। ये 1 इंच 2 सूत्र की है। अब हम इसको रख के इसके बराबर रख के अब हम गले को तराश लेंगे। ये हमने प्लेट को नीचे की तरफ फोल्ड करके 1/2 इंच का हम यहाँ से गला और तराश लेंगे। ये देखिए, अब हम पहले इसके ऊपर जो है वो ये कढ़ाई करेंगे, उसके बाद हम इसकी बकाया स्टिचिंग जो है वो करेंगे। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।